दोस्तों, मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी, सीधा ज्योतिषी समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के एपिसोड्स में आज चर्चा दिशाओं के महत्व पर करना शुरू करेंगे कि दिशा निर्धारण कैसे करें, कौन सी दिशा में क्या काम करना चाहिए, किस दिशा का क्या महत्व है, अगर वो दिशा दूषित है तो क्या नुकसान हो सकता है। तो दिशाओं का निर्धारण कंपास से, यानी दिशा बोधक, दिशा सूचक यंत्र आते हैं उनसे भी कर सकते हैं। नहीं तो एक बेसिक नियम सभी जानते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं तो जिस दिशा में सूर्य उदय होता है वो दिशा पूर्व कहलाती है, उसके सामने वाली दिशा जहाँ सूर्य अस्त होते हैं वो पश्चिम कहलाती है, और जब आप सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो जो बाएँ हाथ को दिशा होती है वो उत्तर कहलाती है, उसके सामने दक्षिण दिशा। ये चार दिशाएँ होती हैं दोस्तों। इसके अलावा चार विदिशा होती हैं, यानी कि इन दिशाओं के मिलन पर जो कोण बनता है उसको विदिशा कहते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व का जो कोना है उसको ईशान कहते हैं, उत्तर और पश्चिम का जो कोना है उसको वायव्य कहते हैं, पश्चिम और दक्षिण का जो कोना है उसको नैऋत्य कहते हैं, पूर्व और दक्षिण का जो कोना है उसको आग्नेय कोण कहते हैं। तो चार दिशा, चार विदिशा, नाइन्थ पृथ्वी और टेंथ आकाश, ये 10 दिशाएँ होती हैं। तो आज चर्चा पूर्व दिशा पर करेंगे कि प्रातःकाल जब सूर्य का उदय होता है आप उसकी तरफ मुंह करते हैं तो वो दिशा पूर्व दिशा होती है। पूर्व दिशा अग्नि तत्व को नियंत्रित करती है। आपका कोई भी निर्माण है, मकान, दुकान, फ्लैट, एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, पूर्व दिशा अग्नि तत्व को नियंत्रित करती है। पितृस्थान की भी यह दिशा सूचक रहती है। अगर यह दिशा बंद है तो सूर्य की रोशनी आपके उस निर्माण में नहीं आएगी, आपके भवन में नहीं आएगी, जिससे रोग बढ़ेंगे। और सूर्य की रोशनी अगर नहीं आती है तो अपयश की संभावना बनी रहेगी, वहाँ पर रहने वाले लोगों को अपयश का सामना कर पड़ सकता है। और अगर पूर्व दिशा किसी निर्माण में बाधित है तो सूर्य भी वहाँ पीड़ित रहेगा उनके जन्मांक में, तो पितृ ऋण की वजह से मांगलिक कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। सूर्य देव के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति भी इस दिशा को नियंत्रित करते हैं। सिंह, धनु और मीन राशि यहाँ पर प्रभावी होती है पूर्व दिशा में। मेष लगन जिसमें सूर्य पंचमेश होते हैं और सिंह लगन जिसमें सूर्य लग्नेश होते हैं, मेष और सिंह वालों के लिए पूर्व दिशा हमेशा शुभ होती है। आप इस दिशा में बच्चे के स्कूल का एडमिशन कराइए अगर उसकी ये लगन है तो, इस दिशा के शोरूम से गाड़ी खरीदिए, इस दिशा में जाकर नौकरी कीजिए, इस दिशा में अस्पताल में आप इलाज कराने जाइए, मतलब हर तरह से मेष और सिंह के लिए ये दिशा शुभ है। वैसे पूर्व दिशा सभी के लिए शुभ होती है। शुक्र के लगन वृष और तुला और शनि के लगन मकर और कुंभ, इनके लिए पूर्व दिशा अशुभ हो सकती है। आपका मकान या दुकान, बेसिक क्या है पूर्व दिशा के बारे में कि आपका जो भी निर्माण है वो कोई भी मुखी है, चाहे वो दक्षिण मुखी है, उत्तर मुखी है, पश्चिम मुखी है या पूर्व मुखी है, उसमें पूर्व दिशा में विस्तार होना चाहिए, पूर्व दिशा में खाली स्थान होना चाहिए, हल्का सामान वहाँ पर रखा जाना चाहिए। ये पूर्व दिशा का थंब रूल है, पूर्व दिशा हल्की रखनी है। पानी का उपयोग पूर्व दिशा में करना शुभ रहता है, लेकिन भारी सामान रखना और पूर्व दिशा का कवर्ड होना शुभ नहीं होता, पूर्व दिशा को हल्का रखना चाहिए। सूर्य और गुरु के प्रभाव के कारण ज्ञान के लिए, शिक्षा प्राप्ति अगर वहाँ पर बैठकर आप पढ़ते हैं, वहाँ पर आप मंदिर बनाते हैं पूर्व दिशा में, पूजा ध्यान करते हैं, ये सब शुभ रहेगा। पूर्व दिशा की तरफ अगर आप बैठकर भोजन करते हैं तो वो भोजन जल्दी पचेगा, अच्छा रहेगा, मतलब शुभ रहता है उस तरफ भोजन करना। पूर्व दिशा खुली और हल्की होनी चाहिए, ये वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा के बारे में थंब रूल है। आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी दिशा के विवरण के साथ आपको अगले एपिसोड में फिर मिलूँगा। राम राम।